नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं सवाल लेकर बाबा राम रहीम जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। आज जनता क्या कहती है, 2 साल हो गए लगातार अब समाज में जो उनके सत्संग है लोगों को नहीं मिल रहे, आज जनता क्या विचार रख रही है उनके लिए, सवाल करते हैं सीधा लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आज वीर निशा। आज क्या कहोगे, 2 साल हो गए हैं वो समाज में नहीं है, गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, क्या कहोगे उनके बारे में? उनकी प्रेरणा लगातार चलती रहेगी, चलती है, और समाज सेवा हम खब कर रहे हैं 131 मानव भलाई कार्य कर, और हमें वहाँ से जीना सीखा है, और वहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं है, किसी किस्म का भी सब ठीक है, और संगत बराबर आ रही है, जा रही है, और ये आप देख रहे हो। आप सर, जो अभी 2 सालों से जो नहीं है, तो क्या इफेक्ट आया समाज के ऊपर? हमें ये लगता ही नहीं, हमारे भी गुरु जी नहीं है, हमारे भी गुरु जी हैं, हमें ये लगता है। समाज के ऊपर क्या इफेक्ट आया? समाज के ऊपर जो बुराइयाँ चल रही हैं वो अब बढ़ेगी। जब पिताजी हर महीने हर सत्संग में लोगों को जोड़ते थे, शराब है, अंडा मांस मछली को मतलब छुटोते थे, वो सबसे अच्छा काम था, नशे जी, और जो खूनदान है, बलिदान है, ये सब करते थे, और गया बहुत ज़्यादा होता था। और क्या काम किया उन्होंने देश के लिए? देश के लिए सारी सेवा करी उन्होंने, देश के लिए करी है, सबसे बड़ी सेवा मानवता की भलाई, मानवता को बचाने के लिए, नशों से बचाने के लिए जीना सिखाया, सच्चे रास्ते पर चलना सिखाया, और अपना नियत से साफ सुथरी कमाओ खाओ ठीक रहो, किसी को गलत विचार से देखो मत, गलत विचार से करो मत, और डेरा सदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है अभी आज भी उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ, हमें यहाँ लगता है आज भी ज़रूरत है, ऐसे संत महात्माओं की ज़रूरत है देश में, वो देश से बुराई से बचाएँ। लेकिन उनके बारे में तो और कुछ भी दिखाया गया था, लगातार आ रहा था, वो सब झूठ है, मीडिया झूठ दिखा रही है, झूठ है सब, झूठ क्यों दिखाएगी वो? झूठ झूठ का वो बना के पुलंदा पेश कर रखा है, कुछ नहीं हो। तो क्या रियलिटी है गुरु जी की, क्या है सच्चाई है? उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, वो बेगर आरोप वो है, उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होया, वो कोई गवाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही एक चिट्ठी का आरोप कर दिया। सरकार से क्या अपील करोगे उनके लिए? हम तो कहेंगे उनको जल्द से जल्द रिहा करें, बाहर करें, और देश की सम्मान बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, बच्चों को, युवाओं को, लेडीजों को बहुत सुख से, हमारे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का बाबा राम रहीम जी का, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।